चलिए आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गोभी का पराठा। गोभी का पराठा बनाने के लिए पहले गोभी लेंगे, गोभी को अच्छे से धो के उसको ग्रेट कर लेंगे। फिर उसके बाद में एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा हींग का तड़का देंगे, फिर उसमें गोभी डाल देंगे, हल्दी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सब्जी मसाला पाउडर, थोड़ा नमक सब डालेंगे। उसको डाल के 5 मिनट तक, उसको 3 से 4 मिनट तक उसको ढक के पका लेंगे अच्छे से। अभी फिर उसके बाद में उसको खोलेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी उसमें डाल के बढ़िया से उसको मिक्स कर लेंगे। अभी आपका स्टफिंग के लिए मसाला रेडी हो गया। अब आटा बनाएंगे हम लोग। आटा में थोड़ा सा नमक तेल डाल के एकदम सॉफ्ट डो बना देंगे। बना के अभी आटा आपका रेडी हो गया और इसमें स्टफिंग के लिए मसाला भी रेडी हो गया है। अब आटा लेंगे, उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इस तरह से ऐसे बना लेंगे। अब इसमें हम लोग वो स्टफिंग वाला जो मसाला बना के रखे हैं उसको भर लेंगे। आटा को थोड़ा एकदम सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा कड़ा नहीं रहे, क्योंकि फिर उसके बाद में ये जो आप मसाला डालेंगे तो फिर वो बेलने में प्रॉब्लम होता है और पराठा फट जाता है, तो इसलिए आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। फिर उसको उसमें देखिए इस तरह से ऐसे स्टफ कर लेंगे पूरा मसाले को, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा आटा लगाएंगे उसको, और फिर उसके बाद में उसको बेलेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आटा हार्ड रहने से ना क्या होता है, ये वाला भरेंगे और बेलेंगे तो पूरा पराठा फट जाता है। अभी देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे और दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे इसको। पहले एक साइड में घी लगा के बनाएंगे, फिर उसको दूसरी साइड में पलटेंगे, पलट के फिर उस साइड भी घी लगाएंगे, और लगा के बढ़िया से एकदम उसको दोनों साइड से पका लेंगे पराठे को। अभी आपका हो गया बढ़िया गोभी का हेल्दी एंड टेस्टी पराठा रेडी। अभी आप इसको दही से खाइए और अचार से, सॉस से, जैसे भी इसको आप ब्रेकफास्ट में और लंच में या फिर डिनर में, और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक भी करिए और ज़रूर ट्राई करिए।